तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नू रोक न पावे अखियां विचो गम दियां बरसातां नू ओ ओ ओ ओ इश्क तेरा तड़पावे ओ तो कैसा लगा मेरा गाना? बदसूरत गाना। क्या हालचाल, कैसे आप लोग? How are you guys? तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धमाकेदार शुरुआत हो रही है आज की। तो बच्चे एकदम क्या है? अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को तो लाइक जरूर कर दो यार। पता है लाइक कौन करता है? जिसका दिल बड़ा होता है लाइक वही करता है, तुम्हें पता है? तुम्हारे चैट खोलते हैं पहले। तुम लोग कितना बड़ा दिल लेके पैदा हो ये तुम्हारा अभी पता लगेगा। क्या होता है ना कि जनरली बच्चों लोगों के दिल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो नीट में आते हैं उनके दिल बहुत बड़े, इतने बड़े हैं कि पूछो मत। मेरी बात भी मानते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है, मेरी बात भी मानते हैं। तो क्या हुआ कि कल एक क्लास हुई थी, आपको पता होगा। तो कल की क्लास में शायद अनन्या नाम से जो लड़की थी तो उसको हमने पिक ऑफ द डे दिया था, है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा हुआ कुछ यूं कि मैंने रिक्वेस्ट किया था A2 के लॉयंस वालों से कि आप थोड़ा सा उसको हाईलाइट करो। सो A2 के लॉयंस वालों ने हाईलाइट किया उसको। किधर है A2 के लॉयंस? Where is the A2 के लॉयंस? लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं? काश ये सुन भी लेती, सुन भी सकती है। लेकिन A2 के लॉयंस, अच्छा अलाउ करते हैं, चलो A2 के लॉयंस, UK लॉयंस, दोबारा ओके A2 के लॉयंस। खुल गया। ये ठीक है, ये वाला अच्छा है, लिखना ही नहीं पड़ेगा, झंझट खत्म, बढ़िया। तो ये भाई सब है हमारे त्योहार के भालोभाषी, यही है A2 के लॉयन। 85 के व्यूज आ गए हैं इसके ऊपर, इसको खोलते हैं थोड़ा सा। तो हाँ यही है। सो यहां पर जब हमने कल सेशन लिया था अनन्या वाला, तो मतलब अनन्या जिसको पिक ऑफ द डे दिया था, तो ये देखो कि अनन्या का नाम भी आया है। ओह माय गॉड, अनन्या गॉट फेमस। अनन्या कहाँ है मुझे पता नहीं, बट अनन्या का नाम भी आया है, दैट्स रियली अमेजिंग। और अनन्या की फोटो वोटो भी आई है, काफी चमत्कारिक काम किया है इसने, अनन्या श्रीवास्तव। सो फोटो कर दी है, 13,000 बच्चों ने देख लिया है 2 घंटे के अंदर। ओह माय गॉड, क्या बात है। सो बहुत बहुत बधाई हो। तो ऐसे ही आप लोग आते रहो और इसी तरह से मचाते रहो। मैंने माइक नहीं पहना, एक तो मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, कैन यू हियर मी? हाँ। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसलिए आप लोग डेली सेशंस में आओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द व्यूज ही इज गेटिंग, 1,00,000 व्यू, ओ माई गॉड, मतलब दैट्स रियली अमेजिंग। मैंने इसके वीडियोज देखे जो ये काट काट के बना रहा है, भाई साहब है हमारे, काफी अच्छी वीडियोज बना रहे हैं, वीडियोज पे चलते हैं। एंड लुक एट इट, व्यूज देखो, 13,000, 84,000, 86,000, 16,000, 32,000, लुक एट इट, 41,000, ये मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे डाला था मेरे, तो इंस्टाग्राम पे तो ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, उसके 1 घंटे बाद ही इस भाई ने वहां से उठा के डाल दिया। तो 1.3 मिलियन, काफी अच्छे व्यूज हैं, 23,170, काफी अच्छी वीडियोस बना रहा है, दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है, एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट एज वेल, बहुत बढ़िया। सो इसलिए आपसे कहता हूँ कि भैया आप लोग आते रहो, इसी तरह से बवाल मचाते रहो, मजा तभी आएगा, है ना। सो आप लोग आते हो, इसी तरह से मुस्कुराते रहते हो सेशन में, तो मुझे मजा आता है आप लोगों को देख के। तो आप लोग बताओ सबसे पहले तो कैसे हो? अनन्या बहुत बहुत बधाई हो, आप हो गए हो फेमस अभी तो, A2 के लॉयंस वालों ने भी आपको कवर कर लिया है,
जल्दी आप लोग जी म्यूजिक सॉरी जी न्यूज पे आज तक पे अनन्या के इंटरव्यू आने शुरू हो जाएंगे नहीं सो अनन्या विल गेट इंटरव्यूज फॉर श्योर. अनन्या आ जाइए क्या, आई डोंट नो कि अनन्या आ जाइए कि नहीं आई. तो इसी तरह से हम लोग हमेशा पिक ऑफ द डे ढूंढेंगे जिससे मालूम पड़ेगा कि भैया कौन है, क्या है, कैसे है. अपनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स लगाया करो यार, तुम लोग हीरो हीरोइन के पिक्चर्स लगाना बंद कर दो, अब खुद के पिक्चर्स लगाया करो, है ना. यू आर स्मार्ट, यू हैव द कैपेबिलिटी. सो इसी तरह से मौके हम आपको देते रहेंगे और आप लोग अपने दोस्तों को भी लेके आओ कि हाँ सेशन में आओ. और काफ़ी दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी और आपका लाइफ टाइम आपके लिए मेमोरी बन जाएगा, है ना, और ये बहुत अच्छी बात होती है. तो चलो आप लोग बताओ कैसे हो. आज हमें क्या करना है, आज हम केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करेंगे एक ही शॉट में. तो आज हम लोग ये करने वाले हैं. सो पहले आप लोग बताओ तो कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोगों का सैटरडे नाइट. कूड़ी सैटरडे नाइट कैसे जा रहा है आप लोगों का, अच्छा जा रहा है. अभी तो अब मेरे साथ हो, क्या अच्छा जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तुम लोग बैठ के मेरे साथ. सो चलो फटाफट से आज के सेशन को एक गाने के साथ शुरू करते हैं. बताओ कौन सा गाना सुनोगे, कौन सा गाना सुनोगे. यार मेरी धड़कन गारे, चांद के हैं संग सितारे, खिलखिलाते हैं वो सारे, मैं अकेला रे. खिलखिलाती हैं वो नदियां, नदियां में है एक नैया, नैया का मैं हूं खेवैया, मैं तुम्हारा रे. अब आ भी जा, सबको बता, क्या तेरा मेरा नाता रे. तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा. आहा क्या बात है. सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मचा दिया है. चलो तो अब हम लोग चलते हैं आगे. आज की पिक ऑफ द डे देखेंगे कि आज की पिक ऑफ द डे किसे जाती है. और ए टू के लॉ एंड वाले भाई, तू मेरी बहुत बात मानता है, तू मेरा फैन हो गया भाई. भाई मैं तेरा फैन हो गया हूं, तू मेरा फैन तो है था ही, मैं भी तेरा फैन हो गया हूं. सो ए टू के लॉ एंड वाले मेरी बात मान के आज का पिक ऑफ द डे हम किसे देंगे उसके लिए भी वीडियो बनाना, ठीक है. सो जरा हम लोग पिक ऑफ द डे पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम लोग चेक कर लेते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं. सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं. यस मेरे प्यारे बच्चों, नीट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट में केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करेंगे. अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, नीट एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको काम आएगा. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. चलो फटाफट से शुरू करें. थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच. चलो स्टार्ट करें. कौन कौन बच्चा पार्टी तैयार है इसके लिए, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. सबसे पहले मेरा एक सवाल है, किस किस को केमिकल काइनेटिक्स एक बार किया हुआ है. अगर आपने एक बार किया हुआ है देन यू हैव टू से यस. अगर आपने अंडा बार किया हुआ है, अंडा बार समझते हो यानी कि जीरो बार किया हुआ है, तो आपको अंडा बनाना है. सो जस्ट राइट डाउन, आपने एक बार किया हुआ है तो से यस, और अगर आपने अंडा बार किया हुआ है तो लिखो अंडा. अंडा 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 आओ सिखाऊ तुम्हें अंडे का फंडा. नहीं ये नहीं प्यारे, कोई मामूली अंडा. चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को. बहुत बढ़िया, हेलो अंकुश सर, थैंक यू सो मच. आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, डिम्पी, एकांक्षा, तान्या, और कौन है, अक्षिता, अमित चौधरी भी आया हुआ है आज तो, और अमरजोत, और अंकुर, देवेंद्र, भूमिका राजपूत, और सौरभ, जया, मेघा, प्रियांशी, शिवम, आशीष, अमन, नैन्सी भी आई है आज. ओके बहुत सारे लोग हैं यार, दैट्स रियली अमेजिंग. डिम्पी, नितिन, शालिनी, मेघा, अरविंद कुमार मौर्य, और चित्रा, पायल, दैट्स रियली अमेजिंग. अदिति चौबे, बहुत सारे ओबे बहुत सारे बच्चे आए, दैट्स रियली अमेजिंग. तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं. सो आज हमारे पास ये देखो अक्षिता धादीज भी आई है. देखो अक्षिका, ये क्या है, अक्षिका, अक्षिका सर, अक्षिका. सो दिस इज अक्षिका, शी सेइंग कि अक्षिका, मैंने क्या नाम बड़ा अच्छा है. सो दिस इज अक्षिका धादीज. सो वी प्रिंशिएट इज रॉन्ग, इट्स हर नेम इन अ रॉन्ग वे. हर रियल नेम इज बेसिकली अक्षिका. एंड दिस इज जया सिसोदिया. मेरे क्या है आज का एग्जाम, बहुत बढ़िया बात है.
सो अमेजिंग यार, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं. डॉली, आई रियली लाइक दिस नेम, डॉली 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 डॉली. उसके कृष्णा याद आ जाता है मेरे को डॉली से. और कौन है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग. और ये कौन है? ये है अदिति चौबे. वी हैव अदिति चौबे एज वेल. वी हैव महक बडयाल एज वेल. वी हैव समृद्ध सिंह एंड शालिनी देवी एंड वेदिका. वेदिका, ये कौन सी फोटो लगाई है? वेदिका खरे, वेदिका इज दिस यू? ऐसे क्यों लग रहा है कि गूगल से पिक उठाई हुई है? वेदिका, ये देखो पायल मिश्रा, एकदम इंडियन ट्रेडिशन. सो वी हैव इंडियन एंड वेस्टर्न बोथ. चलो आज वोट करते हैं, यू लाइक इंडियन और वेस्टर्न. सो वेदिका एंड प्रियल मिश्रा, यू हैव टू चॉइसेस, वेस्टर्न एंड इंडियन. दिस राइट ऑन चैट सेक्शन. चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से. दैट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत बढ़िया, आपके चैट खुले ही रहेंगे और आप लोग बस इसी तरह से चैट्स में जिंदा रहना और पढ़ते रहना. मैं आप लोगों से बीच बीच में बातें करते रहूंगा, ठीक है? सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को. एंड ए टू के लॉयंस भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप मेरी बात मानते हो. मेरी बात इतनी तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं मानी आज तक, जितनी तुम मानते हो. सो थैंक यू सो मच. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, है ना? ये रही हमारी अरे एक सेकेंड रुको, एक और हमारे पास कहाँ गई? पापा की परी भी दिखी थी मेरे को अभी आज. ये कौन है? प्रीति भारद्वाज. और ये कौन है? शुभांगी. शुभांगी, हेलो सर जी. शुभांगी, दैट्स रियली अ कूल पिक. बट हे वी हैव किटी. किटी इज ग्रेट. हर्ष अरोड़ा, क्या बात है हर्ष अरोड़ा, बहुत अच्छी पिक्चर है. मुन्ना माइकल, वो कहाँ गया? एक हमारी ये रही डिम्पी शर्मा. डिम्पी शर्मा, ये हमारी पापा की परी. सो हे वी हैव ऑन सैटरडे पापा की परी. सो बिल्कुल, वेदिका कह रही है कि मेरी ही फोटो है. अच्छा वेदिका, दैट्स रियली अमेजिंग. फोटो अगर तुम्हारी है तो बहुत अच्छी पिक ली है. जिसने भी ली है उसको बधाई देना, उनको बोलना कि ए टू सर ने नोटिस कर लिया तुम्हारी पिक्चर के हिसाब से. आज तुम्हारे लिए 10 रुपए के गोलगप्पे फ्री फ्री फ्री, ऐसे करो. चलो हमारी देखो, ये सब छोड़ के डिम्पी शर्मा को देखो, ये हमारी पापा की परी है. दैट्स रियली कूल. तो आज इसने नई फोटो लगाई है एकदम चश्मा लगा के. सो हे वी हैव पापा की परी, है ना? और ऐसे ही कोई लड़का फोटो खिंचाएगा तो मजा आ जाएगा. मैं चाहता हूँ अगले सेशन में ना कोई एक लड़का ऐसी फोटो खिंचाए और वो लिखे पापा का परा. चलो तो आज के सेशन को शुरू करते हैं. दैट्स रियली अमेजिंग. डिम्पी, बहुत 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 अच्छी लग रही है भाई पिक्चर. सो वेदिका, डिम्पी और मुझे चाहिए पापा का परा. वो कौन होगा? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. हु विल बी द पापा का परा इन नेक्स्ट सेशन, दैट वी विल सी. कोई लड़का जो पापा का परा बन के आएगा. देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फोटो. ये कौन है? ये है साहिल रोशन. साहिल, क्या क्या फोटो लगा रहा है तू, है बॉडी शॉडी. ईशा शाह, साहिल रोशन, बॉडी शॉडी, सही बात, बहुत बढ़िया. ये बनाई है, गूगल से चिपकाई है. सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को. अमेजिंग यार, आजकल बच्चा पार्टी बहुत मचा रहे लाए, अच्छे से फोटो खिंचवा रहे लाए. तो चलो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में बातें करते रहेंगे. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लो. कार्तिका ने आज की स्लाइड प्रिपेयर की है, सो थैंक यू सो मच कार्तिका. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ. देखो सिंपल है, अगर आप लोग वेदांतु के क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो ना, सो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. मैं आपसे कहूंगा यार, आप लोग है ना, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ी पढ़ाई कम हो पा रही है, या मैंने सिलेबस नहीं किया है, मतलब यूट्यूब स्पेशली उन बच्चों के फायदे के लिए है जो कि पहले से ना सिलेबस कर चुके हैं. तो जिन्होंने नहीं किया है वो वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं. देयर इज अ क्रैश कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू. 120 सेशन में पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा. सुबह से लेकर रात तक डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट करवाए जाते हैं. अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब अमेजिंग टिप्स बताई जाती है, ट्रिक्स बताई जाती है. टू वे इंटरेक्शन, मतलब टीचर से आप लोग बात भी कर सकते हो. पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स है वो 10,000 का नहीं है बल्कि 8,000 रुपए का है. उसके लिए आपको मैं कूपन कोड देता हूँ, दैट इज ए नीट. लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो. दैट मे हेल्प यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको बहुत 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 मदद करेगा. सो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है. आपको पीछे जाना है, आपको वेदांतो नीट मेडिजी चैनल पे जाना है, होम पे क्लिक करके. ये यहां पर है, 614 बच्चे देख रहे हैं. और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक द सेशन. मेरे प्यारे बच्चों, लाइक नहीं करते तुम लोग, देखो अपनी फैमिली अपना परिवार, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, दिल तोड़ रहे हो. तो डू लाइक द सेशन, स्किप द एड, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आप लोगों को. ये रहा, इस पे क्लिक करना है. एंड फाइनली आपको अपना नीट 2021 का क्रैश कोर्स परचेज करना है. नीचे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपना मेल आईडी डालना है, कंटिन्यू करना है, और फिर उसके बाद आप यहां पर कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज ए नीट. जैसे अप्लाई करोगे 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा.
एंड मेरे प्यारे बच्चों 2000 का डिस्काउंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ईएमआई, पेटीएम, अमेज़न, पेपल, व्हाटएवर आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो देयर इज वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे देखिए, नीचे यहां पर लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज, क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो ये टेस्ट सीरीज के लिए पीसीबी बहुत बढ़िया है. आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन बैठ के घर पे. कोरोना के केस में आपको टेंशन नहीं होगी, घर पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो. सो देर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. और पूरी क्रैश जो टेस्ट सीरीज है वो 2499 लिखा, लेकिन इसमें भी 20% डिस्काउंट अगर आप ए नीट कूपन कोड यूज करते हैं तो फटाफट से ज्वाइन करो, देर किस बात की. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को. समझ तो गई हो गए आप, टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए अवेलेबल है. ए नीट मॉक टेस्ट तो जरूर दो भाई, मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ, दो काम आएगा, यही सबसे ज्यादा काम आएगा. और टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूट के जैसे यहाँ पर आप लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी होंगी, उसकी बकायदा बताया जाएगा तुमने कहाँ पे गलती की, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे कर रहे हो तुम लोग, उल्लू के पट्टे मत बनो ऐसे करके बताया जाएगा. ठीक है, सो आज के सेशन की डिटेल है ये. अगर आपने कोई सेशन मिस किया है तो आप जरूर देखना. मीनाक्षी मैम आपको मंडे से पढ़ाएंगी, उनके घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई है तो मैम आएंगी जल्दी और आप लोगों को ज्वाइन करेंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ सरप्राइजेस भी देने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो सरप्राइजेस में आप लोगों को मजा आ जाएगा. हम लोगों ने यही सोचा कि आप लोगों को भरपूर बेनिफिट दिया जाए, सो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, है ना. और केमिकल काइनेटिक्स को फटाफट से शुरू करते हैं वन शॉट में. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सबसे पहले मैं बच्चा पार्टी से पूछूंगा, मेरा एक सिंपल सवाल है सारे बच्चों से कि आपको पूरे के पूरे केमिकल काइनेटिक्स में कौन सा टॉपिक फेवरेट है आपका, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन. पूरे के पूरे केमिकल काइनेटिक्स में कौन सा फेवरेट टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स में, जरा बताओ, लिख के बताओ. पूरे केमिकल काइनेटिक्स में फेवरेट टॉपिक, पूरे के पूरे केमिकल काइनेटिक्स में फेवरेट टॉपिक कौन सा आपका, या कौन सा ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, और क्या है, होल चैप्टर, वेरी गुड. और कुछ भी नहीं बेटा, तू पढ़ ले. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ई सेल, ई सेल कहां से आ गया, है ही नहीं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, अमेजिंग, शाउट आउट दे दो, दे देंगे. रेट लो, पूरा, बहुत बढ़िया, रेट अमेजिंग. तो बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को अच्छी लगती है, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली कूल, बहुत बढ़िया. तो मॉलिक्युलैरिटी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, आज मैं सो दो के उठाऊं. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. तो आपके टॉपिक्स मैंने जान लिए, आपको कौन से अच्छे लगते हैं. सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. तैयार हो गए बच्चा पार्टी, तो अब हम लोग हो जाओ तैयार मेरे साथ, केमिकल काइनेटिक्स को एक ही शॉट में खत्म करने को हम लोग दौड़ने वाले हैं. इज दिस क्लियर, तैयार हो, तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. इट्स ऑल अबाउट स्पीड. अगर आप लोग कोई मुझसे पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है एक्चुअली स्पीड, और केमिकल का मतलब होगा केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन की स्पीड या फिर केमिकल रिएक्शन की रेट को इस पूरे चैप्टर में पढ़ा जाता है ना. सबको पता है केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट्स ऑल अबाउट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेसिकली वो क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली ये है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर. ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर है, एक एक्सपेरिमेंट से बेस्ड चैप्टर है. मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाता हूं. तो पहले ना चैप्टर की थीम पकड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को तो थीम ही समझ नहीं आती कि है क्या. तो मैं आपको समझाता हूं. सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों कि ये तुम्हारा घर है. क्या है, तुम्हारा घर. ऐसे पहले छोटे बच्चों को ऐसे ही तो पढ़ाते थे. क्या है बच्चों, बोलो, घर. ये तुम्हारा घर है. फिर ये तुम्हारा स्कूल. सो ये तुम्हारा स्कूल है. ऐसा मान लो कि ये तुम्हारा स्कूल है जहां तुम पढ़ते हो. मतलब ये कैसा स्कूल है, स्कूल मान लो वो तुम्हारा स्कूल है. सो दिस इज योर होम, दिस इज योर स्कूल. ठीक है, और तुम्हारे गंदे से मास्टर जी हैं, बहुत ऐसे छटपटा के रहते हैं. तो अब क्या हुआ कि तुम्हारा स्कूल लगती है सुबह 8 बजे, और ये रोड है, देखो जरा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक रोड. अब तुम एक दिन स्कूल नहीं गए, तो मास्टर जी का कॉल आ गया तुम्हें, ओए उल्लू के पट्टे किधर है. मास्टर जी सो रहा हूं, फटाफट से स्कूल आ नहीं तो डांट पड़ेगी. तो ठीक है आता हूं, कितनी देर में आएगा. तो तुम कितनी देर में आएगा, यहां पर क्या हुआ, जो रोड थी ना उसके इस तरफ एक बहुत बड़ा सा खड्डा था, ऐसे ये खड्डा था,
मतलब ऐसे खड्डा, मतलब रोड ब्लॉक ही थी, मतलब पूरी रोड अच्छी थी लेकिन यहां पे जाके खड्डा था। तो वो लड़का क्या बोला पता है, मास्टर जी मैं कितनी देर में आऊंगा वो डिपेंड करेगा कि खड्डे के पास कितना ट्रैफिक है। ऐसे तो बोलोगे खड्डे के पास कितना ट्रैफिक है, अगर खड्डे के पास ट्रैफिक नहीं हुआ तो जल्दी आ जाऊंगा, और खड्डे के पास ट्रैफिक हुआ तो लेट हो जाऊंगा, क्योंकि बाकी रोड तो खाली रहती है ना, ये सारी रोड खाली है, यहां पर खड्डा है और यहां पर सिर्फ इतनी सी रोड है और सबको यहीं से निकलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहते हैं यहां पर ट्रैफिक हुआ तो टाइम लगेगा, अदरवाइज नहीं। कॉमन सेंस है, आप भी ऐसे ही करते। यस, तो अब जरा ध्यान से सुनना, बेसिकली ये खड्डा आपके पहुंचने की स्पीड का रेट डिटरमाइन कर रहा है, आरडी। ये खड्डा आपके पहुंचने की स्पीड को डिटरमाइन कर रहा है, और ये खड्डा एक्चुअली आपके लिए क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। समझ में आया? सो एक खड्डा एक्चुअली आपकी स्पीड को डिटरमाइन करेगा कि आप कब पहुंचोगे। सो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस इसी को बोलते हैं। आरडीएस वो स्लो, वो स्टेप है जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे स्लोएस्ट होता है, और वही डिफाइन करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन कितनी देर में पूरी होगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? सो इफ समबडी विल से कि व्हाट इज आरडीएस, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ऐसा स्टेप जो कि बहुत स्लो होता है, जैसे खड्डा स्लो बना रहा है, और वही डिफाइन करेगा कि आपकी स्पीड क्या है या केमिकल रिएक्शन की रेट क्या है। और पूरे चैप्टर में इस तरह से आरडीएस के ऊपर बेस्ड सारा का सारा काम है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड काम है, रेट डिफाइनिंग इसी के वजह से होती है, और यही है सब कुछ। इज दिस क्लियर? यशराज बेटा डिम्पी को हाय कह रहा है, यहां से तेरा बोर्ड एग्जाम तुझे हाय हाय करवा देगा पेपर देने के बाद, इधर देख ले। सो आरडीएस इज द स्लोएस्ट स्टेप। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो पूरे चैप्टर में यही है थीम, कि जो स्लो स्टेप होता है वो आपकी केमिकल रिएक्शन की रेट को डिफाइन करता है। तो रेट होती क्या है उसको समझें। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ एक चीजें और बताता हूं। ये पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, नंबर वन, कि जो आपकी रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर डिपेंड करती है जो कि सबसे स्लो होता है। समझ में आ गया? पहली चीज तो ये समझने लायक थी, नंबर वन चीज तो ये समझने लायक थी कि सबसे स्लो स्टेप वही आपका रेट डिफाइन करेगा, इसलिए उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? कम ऑन डूड। अब दूसरा एग्जांपल, इस चैप्टर में दूसरी क्या खास चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है, तो सेकंड चीज मैं आपको यहां पर लिख के देता हूं। सेकंड चीज जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या, जरा आप ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपके पास एक्टिवा है, बाय द वे किस किस के पास, चैट सेक्शन में लिख के बताओ किस किस के पास एक्टिवा है, ब्रुम, ब्रुम, किस किस के पास एक्टिवा है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस के पास एक्टिवा है। चैट, पहली चीज सबको समझ में आ गई, दूसरी चीज समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग लिखो कौन कौन घर पे एक्टिवा है, और एक्टिवा से ही जाता है वो, एक्टिवा हो गया व्हाटएवर, तुम्हारे पास कौन सी स्कूटी है, साइकिल भी होगी, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, जो साइकिल है, बुलेट है, केटीएम है, तुम्हारी बाइक का नाम लिखो जो तुम्हें दे रखी है घर से, कुछ भी हो सकती है, वो साइकिल भी हो सकती है, लिख के बताओ, एक्टिवा भी हो सकती है, व्हाटएवर। तो तुम्हारे घर पे या केटीएम है, ड्यूक है, ठीक है, एक्टिवा है, साइकिल है, केटीएम है, प्लेजर है, बुलेट है, वाह बेटा है, स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर तो मेरे पास भी था, स्प्लेंडर और हीरो होंडा बॉक्सर चलो जो भी है तुम्हारे पास है, कुछ ना कुछ तो है, डिस्कवर, ठीक है, एक्टिवा, ड्यूक, व्हाटएवर, साइकिल वाइकिल जो भी है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, सपोज करो कि तुम ऐसे जा रहे हो, ध्यान से समझना, ऐसे करके बुम बुम ब्रू ऐसे करके जा रहे हो, ठीक है, एक्टिव है तुम्हारे, तो ना पापा ने तुम्हें कॉल किया, तो पापा तुम्हें पूछते हैं, हाँ भाई हीरो, पापा को तुम्हारे बहुत केयर है ना, मतलब स्पेशली लड़कियां, मतलब सॉरी टू से बट सच बात यह है कि लड़कियां ड्राइविंग अच्छे से नहीं करती, माफी चाहता हूं, लड़कियां वैसे परफेक्ट होती है ना, लड़के तो एकदम हर चीज में निकम्मे होते हैं, लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है, लड़कियां अच्छी लिखती हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा ड्राइविंग सेंस ऐसे बोलते हैं कि नहीं होता, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लोग ऐसा कहते हैं, मेरे पे नाम मत लगाना, मैं इसमें बीच में नहीं आता हूं, ठीक है। सो लड़कियों का सीन ऐसा है कि उनको एक्टिवा दोगे तो एक्टिवा का लास्ट वाला ए पक्का टूटेगा ठीक है, तो एक्टिव ही रह जाएगा। सो जो भी है, तो बेसिकली लड़कियां बहुत ही रफ ड्राइविंग करती हैं, ब्रुम ब्रुम ब्रुम। तो अब मेरा सवाल ये है कि, और माँ बाप को चिंता भी रहती है लड़कियों की, लड़कों की भी चिंता रहती है, ऐसी बात नहीं है, धीरे चलाए कर, धीरे लेके जाए कर,
हैं, किसको, लड़कों को तो स्पेशली, किसको देख के तू इतनी तेज चलाता है बे, है ना? तो स्लो चलाने का, तेज नहीं चलाने का। तो मैं आप आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल क्या है कि सपोज करो आप एक्टिवा चला रहे हो, आपके पापा को या आपकी मम्मी को आपकी बहुत चिंता है, दे केयर अबाउट यू, ओके। सो उन्होंने कॉल किया, किस लिए कॉल किया, आपकी स्पीड जानने को, और आपको धमकी दे रखी है कि अगर तूने 40 की स्पीड से ज्यादा चलाई तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। स्पीड से ज्यादा वैसे ही टूट जाएगी, ठीक है, तो टांगे घर वाले क्या तोड़ेंगे। सो मतलब डांट पड़ेगी 40 से स्पीड से ज्यादा नहीं चलाने का। ऐसा घर पे कई बार कह के लेके जाते हैं कि तुम 40 की स्पीड से ज्यादा मत चलाओ, गलत बात, नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, और स्पीड ज्यादा होनी नहीं चाहिए, आराम से जाओ, स्लोली स्लोली, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं, आईडी देखी तुमने, धीरे चलाइए, घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है ना। तो अब आपके पापा को चिंता है कि भाई 40 से ज्यादा नहीं चलानी है, तो आपके पापा ने कॉल किया, तो कॉल करके पूछ लिया, सपोज ये भी वैसे गलत बात है, कॉल कौन करता है, बट पूछ लिया कि भाई हाँ भाई तेरी स्पीड कितनी है, तो तुमने बोला, तुमने तुरंत मीटर देखा, तो मीटर देख के तुम क्या बोलोगे, जरा सोचो, जो स्पीड दिखेगी वही बोलोगे, तुम बोलोगे 70, 60, 50, 40, 30, 20, ये बोल दोगे, यही होगी स्पीड, तो पॉजिटिव ही होती है आपकी रेट आगे बढ़ने की, स्पीड पॉजिटिव ही होती है। कभी ऐसा बोलो कि नहीं मैं तो, ऐसा कभी किसने बोला है, पापा ने फोन करके पूछा, हाँ भाई तेरा स्पीड क्या है, माइनस का 175 किलोमीटर पर आर, ऐसा किसने बोला आज तक? तो उल्टी गंगा में बह रहा है क्या? सो बेसिकली नोबडी विल से कि मेरा नेगेटिव स्पीड है, एवरीबडी विल से कि पॉजिटिव स्पीड है। जरा समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुमको कभी भी कॉल किया होगा, पूछा होगा तुम्हारी स्पीड कितनी है, यू विल ऑलवेज से कि +10, +20, +30, +40, यू विल नेवर से कि -80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे लाओ, अरे किधर जा रहे लाए भाई। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। समझो, अगर तुम ट्रैफिक में रुक भी गए, सपोज करो तुमने ब्रेक लगा ली, ब्रूम, रुक गए तुम, तो भी बेसिकली अब तुमसे कोई पूछे तुम्हारी स्पीड कितनी है, यू विल से कि 0 किलोमीटर पर आवर, जीरो से नेगेटिव में तो नहीं होने वाली है ना। सो रेट और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये दूसरी चीज है जो आप लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है। समझ में आ गया, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो दो चीजें समझो, पहली तो सबसे स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, नंबर दो रेट और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये दो अप्रोच पूरे चैप्टर में काम आती हैं। समझ में आ गया? तो चलो आज हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल, ओके, है ना। कभी पापा का दिमाग खराब करना हो ना, पापा पूछते तेरी स्पीड क्या है, तो वो बोला -20 डिग्री सेल्सियस, बम बम। नहीं, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूं बेसिकली। अब यहां पर सारा खेल इसी का ही है, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसी को यूज करेंगे बार बार। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है भाई, हमारा रेट तो पता है, अगर कोई पूछे कि तुम किस स्पीड से जा रहे थे, तुम क्या बोलोगे, 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा जो रेट, जो स्पीड हमारा दिया जाता है, कहते हो तुम्हारी स्पीड क्या थी, है ना। स्पीड अलग अलग तरीके से काउंट होती है, तो कई बार सुसु करते हैं, तो लड़कों में कंपटीशन रहता है सुसु का स्पीड क्या है, तो लोग सुसु की स्पीड को भी मेजर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो अगर तुम्हारी बाइक की स्पीड पूछी जाए, इफ समबडी विल से कि तुम्हारी बाइक की स्पीड क्या थी, ठीक है, जो भी तुम्हारी बाइक है तो रेडी लग रही है, तुम्हारी बाइक की स्पीड क्या थी, देन व्हाट विल यू से, यू विल से 20 या 30 व्हाटएवर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तुम स्पीड लेते हो इस तरह से, ऊपर तुम डिस्टेंस लिखते हो, नीचे टाइम लिखते हो, सही बात है, इस तरह से रेट या स्पीड निकाली जाती है, ठीक है। ऊपर क्या लिखते हो, डिस्टेंस, नीचे टाइम लिखते हो। तो ये तो हो गया तुम्हारी जो डेली लाइफ में तुम लोग यूज करते हो। तो यहां पर हम लोग इसको तो यूज कर नहीं रहे, यहां हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो अगर इसकी कोई रेट या स्पीड पूछे तो तुम कैसे बताओगे। तो रेट और स्पीड में एक चीज कॉमन होती है, और दैट इज डिनोमिनेटर में टाइम। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट आप लिखते हो उसमें डिनोमिनेटर में टाइम आएगा, ये कंफर्म है। टाइम के रिस्पेक्ट में आप स्पीड बताते हो। समझ में आ गया? जैसे यहां पर टाइम आ रहा था, दिस इज ऑल्सो टाइम। टाइम टाइम आपका आर में हो सकता है, टाइम आपका मिनट में हो सकता है, टाइम आपका सेकेंड में हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो केमिकल रिएक्शन की जब आप रेट बताते हो तो ऊपर क्या आता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन,
क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट खर्च होगा या आपका प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है? तो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है? तो अगर कोई पूछे कि यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में रेट को कैसे लिखा जाता है, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर? अब मजे की बात पर आते हैं। अब आगे की चीज समझना, ये तो चीज कॉमन हो गई कि रेट को ऐसे लिखा जाता है, पर यहां पर मजे की बात कुछ और है। वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझना इसको, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में आगे चलते हैं। दैट्स वेरी कॉमन कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट्स वेरी इजी, ओके? लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जरा उसको समझना, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है ना दो चीजों में आता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। भाई आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो कैसे कराओगे, जरा सोचो। आप कभी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो कैसे कराते हो, जरा लिखो। कोई केमिकल याद आती हो तो सबसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन जो लोगों को याद आती है वो है नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन है हैबर प्रोसेस की, जो सबको याद होती है। यस, अगर ये केमिकल रिएक्शन करवानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जरा सोचो। आपको यहां पर कंटेनर में नाइट्रोजन भी लेनी पड़ेगी और हाइड्रोजन भी लेनी पड़ेगी, समझ में आ गया? ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, आया समझ में? ठीक है, अब इसी से ही जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको अमोनिया मिलेगी और ये आपका प्रोडक्ट है। धीरे धीरे एक चीज समझो, जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी धीरे धीरे घटेगी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी धीरे धीरे घटेगी। क्यों? क्योंकि आपस में रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे, अमोनिया। तो इसका मतलब अमोनिया की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, समझ में आया सब लोगों को? धीरे धीरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन घटेगा, अमोनिया बढ़ेगा। तो यहां पर दो चीजों का टाइम के रिस्पेक्ट में, दो चीजों का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। कौन कौन? एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। समझो क्या हो रहा है, इज दिस क्लियर? तो यहां पर रिएक्टेंट के केस में रेट अलग से लिखा जाता है, प्रोडक्ट के केस में रेट अलग से लिखा जाता है, लेकिन जब आप आंसर निकालने लगोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही आएगा, समझ में आता है? लेकिन लिखने का तरीका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा समझो, यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट में भी हो रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया यानी प्रोडक्ट में भी हो रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो रहा है, तो देखो समय के साथ साथ, अगर मान लो कि इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पर तुम्हारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी इतनी थी, इतनी, समझ रहे हो? धीरे धीरे रिएक्टेंट आपका घटने लगता है जैसे जैसे समय बीतने लगता है, समझ में आ गया? तो जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिया है वो किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, जरा समझो। इज दिस क्लियर? शुरू में टी इक्वल्स टू जीरो पर आपने कोई ना कोई रिएक्टेंट की वैल्यू ली होगी, धीरे धीरे वो घट रही है, ठीक है? तो ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ आता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। इज दिस क्लियर? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से अगर मुझे रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो ये रिएक्टेंट है, मैं लिख देता हूं, दिस इज रिएक्टेंट। उसके केस में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे, जरा सोचो, आप इमेजिन करो। यहां पर आप क्या करोगे, अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम या टाइम नीचे लिखोगे। अब यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में कैसा चेंज आ रहा है, जरा आप देख लो, बड़ा गजब है। देखो क्या है, देखो टी इक्वल्स टू जीरो पर मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू मान लो कितनी है, आर कॉन्सेंट्रेशन मान लो कितनी है, सी वन। कितनी कॉन्सेंट्रेशन मान ली, सी वन। ये ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, समझ में आया? इधर टाइम जा रहा है, इज दिस क्लियर? टी इक्वल्स टू जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन सी वन है, समझ में आता है सबको? अब समय निकला, मैं मान लो कि टी इक्वल्स टू जीरो था, फिर टी इक्वल्स टू टी वन मान लो, तो टी वन पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जरा चेक करो, ये इतनी बचेगी, इसको आप जब यहां पे ग्राफ पे लोगे तो कितनी होगी, सी टू मान लेते हैं। जरा समझो, टी इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी वन, टी इक्वल्स टू टी वन पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी टू। जरा आप दिमाग लगा के खुद से सोचना, ऑब्वियसली टी वन की वैल्यू तो जीरो से ज्यादा है क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। भाई यहां पर जीरो होगा तो ये कोई एक होगा या दो होगा, तीन होगा, तो टी वन की वैल्यू जीरो से तो ज्यादा होगी। मजे की बात देखो, यहां पर एक और चीज समझ में आती है, क्या, कि C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है। जरा समझो, जो यहां पर ये जो टाइम T इक्वल्स टू T1 लिखा है, इसको T2 लिख लो, चलो ये टाइम T2 है, ठीक है, ये टाइम T1 है, समझ में आ गया? थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो
तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, सपोज करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जरा उसको समझना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहला टाइम में जो मैंने लिया टी इक्वल्स टू जीरो, वो हमारा टी वन टाइम मान लो, पहला टाइम। दूसरा टाइम लिया टी टू टाइम, ठीक है, ये टी टू टाइम है। अब यहां से एक चीज समझ में आती है कि टी टू की वैल्यू टी वन से ज्यादा है, लेकिन मजे की बात यह है कि सी टू की वैल्यू तो सी वन से कम है, क्योंकि सी वन की वैल्यू देखो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घट रही है, ये सी वन था तो अब ये सी टू है, समझ में आता है? तो सी टू की वैल्यू तो क्या है, सी वन से कम है। अब अगर मैं यहां पर रेट लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, जरा आप देखो, रेट लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखूंगा, सी टू माइनस सी वन अपॉन नीचे क्या लिखूंगा, टी टू माइनस टी वन, समझ में आता है? अब जरा देखो टी टू की वैल्यू तो टी वन से ज्यादा है, तो यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो तो क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ज्यादा में से कम को घटा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में, ऊपर वाले में तो कम में से ज्यादा को घटा रहे हो। मान लो ये पांच है और वो दस है, तो तुम क्या लिखोगे, पांच माइनस दस, तो ये तो माइनस हो गया, तो जो यार रेट निकल के आ रही है बेसिकली वो तो नेगेटिव आ रही है, अब ये तो समस्या हो गई ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। ध्यान से समझना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, किस किस को समझ में आ गया ये, कि यहां पर जब आप रिएक्टेंट के केस में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ से रेट निकालने लगोगे तो नेगेटिव आएगी। और मैंने अभी क्या बोला था, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, याद है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, ये किस किस को याद है, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है भाई, आप यहां पर C2 कम में से ज्यादा को घटा रहे हो तो रेट तो नेगेटिव आएगी, और मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि रेट नेगेटिव नहीं होती, तो अब क्या करोगे, तो समस्या हो गई। अब समस्या का समाधान क्या है, जरा उसको समझो, यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तुम्हें पता है कि रिएक्टेंट के केस में रेट नेगेटिव आ रहा है, अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाए, आप लोग बताओ। अगर तुम्हें पता है कि रिएक्टेंट केस में रेट नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि मैं फॉर्मूले के आगे क्या लगा दूं, पहले से ही नेगेटिव का साइन लगा दूं, फॉर्मूले के आगे पहले से ही क्या लगा दूं, नेगेटिव का साइन, समझ में आ गया। और अगर पहले से ही नेगेटिव का साइन होगा और इसमें से भी नेगेटिव का साइन आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो रेट तुम्हारी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव, आया समझ में, बिकॉज रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहां से सीखने लायक बात क्या है, सीखने लायक बात यह है कि अगर आप लोगों को कोई बोले कि रिएक्टेंट के केस में रेट लिख के बताओ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट के केस में रेट लिखी जाती है माइनस ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन किसकी ली है तुमने, रिएक्टेंट की, समझ में आ गया, नेगेटिव साइन लगाया जाता है इन द केस ऑफ रिएक्टेंट, बहुत कम लोगों को पता होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर समझो कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नेगेटिव साइन लगाया गया, मैंने एक एक चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेगेटिव साइन पहले से हमने इसलिए लगाया ताकि रेट नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट नेगेटिव नहीं होती है, समझ में आ गया, इसलिए रिएक्टेंट के केस में रेट का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द रियल फॉर्मूला इन द केस ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आया। चलो तो ये तुम्हारा रेट के लिए हो गया, तो रेट के लिए जरा समझो, रिएक्टेंट के लिए रेट ऐसे लिखी जाती है। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का कैसे आता है ग्राफ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बढ़ता है, समझ में आ गया, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो तो बहुत सिंपल है, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा, जैसे रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ले लूं प्रोडक्ट की और यहां पर मैं टाइम ले लूं तो ऐसा ग्राफ आएगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्रोडक्ट के लिए ऐसा होगा, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन दैट केस अगर कोई बोले इसके लिए रेट लिखो, तो इसके लिए रेट कैसे लिखी जाएगी, दैट इज प्लस का साइन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर टी इक्वल्स टू जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो ये जीरो ही है, और किसी टी वन टाइम पे या टी टू टाइम पे पकड़ोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही रहा है, समझ में आ गया। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, जीरो, पर टी टू टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी टू, विच इज मोर देन सी वन, तो सी टू की वैल्यू सी वन से ज्यादा है और टी टू की वैल्यू भी टी वन से ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगी, तो इन दैट केस आपको पॉजिटिव, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आप क्या लिखोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी या फिर डी सी अपॉन डी टी इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट के लिए केस में लिखा गया है, तो ये फॉर्मूला हो गया इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। तो कहने की क्या बात है, जरा समझो, कहने की बात यह है कि जब आप
रिएक्टेंट के केस में, टिकमा कराते हैं बेटा, शुभम सुन लिया मैंने बेटा, जब आप रिएक्टेंट केस में लिखते हो तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में आपको माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहां पर दो फॉर्मूले पढ़े, जरा समझो, यहां पर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट निकालने का फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां आपको बता दिया, समझ में आता है, जिसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी भी कह सकते हैं, बट अभी ये मैथमेटिकली सही नहीं है। ये रेट का फॉर्मूला आपके रिएक्टेंट के केस में माइनस का साइन लगेगा, प्रोडक्ट के केस में प्लस का साइन, मतलब प्रोडक्ट के केस में तो कुछ भी ना लगाओ, मतलब प्लस ही हो गया, समझ में आ गया, तो आपको ध्यान रखना है मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, अब एक और चीज आती है, जरा अगर कोई पूछे आपसे कि रेट का यूनिट क्या होगा, इफ समबडी विल आस्क व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, तो क्या बोलोगे, दैट्स वेरी सिंपल, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ली जाती है मोलैरिटी, तो मोल पर लीटर, समझ में आ गया, ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड आर व्हाटएवर, समझ में आ गया, तो यहां पर टाइम भी लिख सकता हूं, पर टाइम, सेकेंड होगा तो सेकेंड, आर होगा तो आर, मिनट होगा तो मिनट, तो अगर मैं ढंग से लिखूं तो इसकी यूनिट बनेगी मोल पर लीटर पर टाइम, ये इसका यूनिट बनेगा। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, तो चलिए ये यूनिट बन गया मैथमेटिकली, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आर, ये इसकी यूनिट हो गई। मोल पर लीटर पर ईयर भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको किसी भी वे में मिल सकता है, तो ऐसा स्पेसिफिक मत मान के चलना कि सेकेंड ही होगा, समझ में आ गया, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन आपका मिनट में भी हो सकता है, आर में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वो टाइम ही है और कुछ नहीं है, समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क होता है, मैं आपको इसमें टाइम खराब नहीं करना चाहता क्योंकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरेज रेट के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया जाता है, अगर कोई पूछे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो आप डेल्टा का यूज करते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इसके लिए क्या है ना, आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ये टाइम टी वन है, ये टाइम टी टू है, उस पर ये सी वन है, ये सी टू है, ऐसे करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकाला जाता है, जबकि अगर आप इसको बोलेंगे एवरेज रेट, अगर कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो एक इंस्टेंटेनियस रेट भी होती है जिसको डीसी बाय डीटी से लिखा जाता है, ये मैथमेटिकल चीज है और कुछ नहीं, और ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताई जाती है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, समझ में आ गया, इसी इंस्टेंट पे, समझ में आया, उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, तो दैट्स वेरी इजी मैथमेटिकल है, इसमें क्या टाइम खराब करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, तो किसी टाइम पर्टिकुलर इंटरवल के लिए एवरेज होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस है तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। इज दिस क्लियर, तो उसमें कोई टाइम खराब हम लोग नहीं करेंगे, किसी इंस्टेंट पे बनाया तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताया तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, सबको समझ में आ गया, इट्स वेरी इजी। चलिए, और कोई फर्क नहीं है उसमें, सिर्फ डेल्टा और डी का फर्क होता है, फॉर्मूला तो सेम ही है, रिएक्टेंट केस में माइनस का साइन लगाओगे, प्रोडक्ट केस में प्लस का साइन लगाओगे। अब और चलते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाता हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ, पहले इसके पीछे का लॉजिक है जो बड़े लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछो मत, मतलब मुझसे पूछोगे तो ये आपका पहला रियल फॉर्मूला जो काम आएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बोलूं कि पूरा रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन तो पकड़ो, तो मान लो कि आपके पास ए ऑफ ए है, जिससे आपको बी ऑफ बी है, ये दो रिएक्टेंट है, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, समझ में आ गया, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स, उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको मिल रहा है स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्या है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट है, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे पूछो कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, दैट्स वेरी इजी। तो पूरी केमिकल रिएक्शन का अगर आपको रेट लिखना है तो कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली बताता हूं, आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी सारी चीजें सेम है, रिएक्टेंट का लिखोगे तो माइनस का साइन लगाओगे, प्रोडक्ट का लिखोगे तो प्लस का साइन लगाओगे, ये चीज तो कॉमन है। अब व्हाट अबाउट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिख देना है, बात खत्म हो जाएगी वहां पर, कहां लिखोगे, डिनोमिनेटर में, कहां लिखोगे, डिनोमिनेटर में। तो आप किसी का भी कैलकुलेट करो, सबकी रेट बराबर आएगी। तो अगर कोई पूछे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो मान लो ए के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो कैसे लिखोगे,
माइनस ऑफ वन बाई ए डी ए बाई डी टी ऐसे लिखोगे. ये डी ए बाई डी टी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्मॉल ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. माइनस का साइन क्यों लगाया, सॉरी स्मॉल ए क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि वो रिएक्टेंट है. फिर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन बी डी बी बाई डी टी इस तरह से लिखा जाएगा. Which is equals to, सारे आंसर सबका सेम ही आएगा, कुछ भी निकाल लो सेम ही आंसर आएगा, समझ में आता है, इसलिए इक्वल लिख दिया गया है. और जब आप प्रोडक्ट के केस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्लस ओ वन अपॉन एक्स डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू प्लस ओ वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी टी इस तरह से लिखा जाता है. दिस इज ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. इज दिस क्लियर, एग्जाम्पल देता हूं. और ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला जो तुम्हें काम आएगा, मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ. सपोज करो कि तुम्हारे पास नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया. ये तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन बोलता है, इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ. तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहली बात तुम आपको क्लैरिटी दे देता हूं, इसमें जो भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो उनमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको लिखे हुए मिलेंगे. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ना मिले. इज दिस क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है. तो आप जरा ध्यान से इसको चेक करो, इसको कैसे लिखोगे. तो इसके लिए अगर आप लोगों को रेट लिखनी है तो सबसे पहले लिखोगे, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन ही है, तो डायरेक्ट लिखोगे माइनस ऑफ नाइट्रोजन बाई डी टी. मतलब नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में कैसे चेंज हो रहा है वो लिखोगे, नीचे टाइम लिखोगे, माइनस का साइन क्योंकि वो रिएक्टेंट है. फिर उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वन बाई थ्री डी एच टू बाई डी टी. अब देखो मैंने क्या किया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वहां तो वन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन यहां पर तो तीन है तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, प्लस ऑफ वन बाई टू डी अमोनिया बाई डी टी. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताओ मुझे किस किस को समझ में आ गया. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. सबको समझ में आ गया, अब चैट में लिख के बताओ कि किसको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है. सर आगे चलो, बहुत हो गई, जल्दी करो जल्दी करो. आगे मेरे हो जाओ देखने. नाना पाटेकर याद आ गया, भूख लग रही है. किस किस को आ गया, सबको समझ में, जस्ट लिखो चैट सेक्शन के अंदर कि किस किस को समझ में आ गया. चैट खोलते हैं तुम्हारे लिए, जल्दी से बताओ. नाना पाटेकर वाली वीडियो बड़ी अच्छी थी. किस किस को समझ में आ गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को समझ में आ गया, मोनालिसा को आ गया, हिमांशु को आ गया, विराज को आ गया, नीरज को आ गया, रोहित को आ गया, ब्यूटी क्वीन को आ गया, ब्यूटी खान को आ गया. नहीं, खुशी को, गुड़िया को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे. देखो यश को, यशराज, क्या बात है नाम, देखो यशराज, द यशराज. डेंजर, डोली, सालवे, ओहो, श्रुति और श्रीवास्तवा, विजय पटेल, जिंदाबाद. चलो सबको आ गया समझ में, बल्ले बल्ले अब हम आगे चलते हैं. तो तुम्हारी रेट वेट हो गई, ठीक है, रेट ऐसे लिखी जाती है. इज दिस क्लियर, अब हम चलते थोड़ा और आगे. रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखी जाती है, ये तुम्हारा एग्जांपल है एबीसीडी वाला जो मैंने दिया, इस तरह से लिखी जाती है. ओवरऑल एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क होता है कि यहाँ पर डेल्टा और यहाँ पर डी है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है, लेना देना ही नहीं है इस चीज का. अब आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, तो जरा देखो कौन कौन से फैक्टर है. सबसे पहले तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है. ऑब्वियसली जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रेट भी उतनी ज्यादा होगी. क्यों, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है. चलो मैं आपको एक ही करके इसके पहले रेफैक्टर बता देता हूँ, फिर उसके बाद है टेम्परेचर, फिर उसके बाद है तुम्हारे पास प्रेशर, फिर उसके बाद है तुम्हारे पास कैटलिस्ट, ठीक है, और फिर लास्ट में सरफेस एरिया. तो ये सारे फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इन पर भी जनरली सवाल आ जाता है. तो ये ध्यान रखना कि एक दो तीन चार पाँच फैक्टर है जिसके ऊपर आपकी रेट डिपेंड करती है. चलो तो आगे चलते हैं. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, अरे सिंपल सी बात है मेरे बाबू मोशाय, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट लोगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होंगे रिएक्टेंट के, उतने ही ज्यादा वो क्या करेंगे, दूसरे को कोलाइड करेंगे, ऐसे करके धक धक धक, है ना, धक धक करने लगा, ऐसे करके टक्कर करेंगे, कोलिजन होगा. और आपको पता है कि कोलिजन से ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है. समझ में आ गया. सो मेरा डांस निकल जाता कभी ऐसा होता है तो, माधुरी दीक्षित याद आ गई मेरे को. चलो तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा. समझ में आ गया, लेस कॉन्सेंट्रेशन लेस कोलिजन, मोर कॉन्सेंट्रेशन मोर कोलिजन, आपको ध्यान रखना है. राइट डायरेक्शन में कोलिजन होती है तभी केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है. दूसरा है टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है. ऑब्वियसली आपको खुद को पता है, जब आप घर पे चाय बनाने जाओगे तो आपने अगर स्टोव जलाया ही नहीं तो कभी चाय बनेगी नहीं. मान लो स्टोव को धीरे जला दिया तो चाय कितनी देर में बनेगी, जितने में आपके मेहमान भाग जाएंगे. तो अगर आपको तेज चाय बनानी हो क्या करना पड़ेगा, स्टोव को तेज करना पड़ेगा.
जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे केमिकल रिएक्शन उतनी तेज होगी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन बढ़ने लगता है। समझ में आ गया? तो पता है ना तुम लोगों को, बल्ले बल्ले। अगले पे चलते हैं, प्रेशर। प्रेशर का क्या फर्क होता है? जितना प्रेशर ज्यादा होता है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। बड़ी कॉमन सी बात है, प्रेशर डालोगे तो भी कोलिजन बढ़ता ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से भी बढ़ता है। समझ में आ गया? तो कोलिजन उस हिसाब से भी इंक्रीज ही होता है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना कोलिजन ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि वो पास आ जाएंगे। समझ में आ गया? सो पार्शियल प्रेशर आपका ज्यादा होना चाहिए, क्लोजनेस आने से कोलिजन बढ़ती है। फिर आपकी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या लगता है आपको? पॉजिटिव कैटलिस्ट तो इंक्रीज करता है, बट नेगेटिव कैटलिस्ट घटा भी सकता है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट को कैटलिस्ट नहीं कहते एक्चुअली। नेगेटिव कैटलिस्ट एक पॉइजन की तरह होता है, ठीक है? सो नेगेटिव कैटलिस्ट इज एक्चुअली नॉट अ कैटलिस्ट, दैट इज अ पॉइजन ओनली। समझ में आ गया? सो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, आप बढ़ा भी सकते हो रेट को, घटा भी सकते हो। कैसे करता है वो? देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे काम करता है, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल में ये ना, ये जो बैरियर है बेसिकली, ये बैरियर है, इस बैरियर को डिक्रीज कर देता है। अगर बैरियर को डिक्रीज कर दिया तो बड़े आसानी से जो आपके रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने बैरियर कम कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क क्या है? एक्चुअल केमिकल रिएक्शन जानी थी ऐसे, समझ में आया? एक्चुअल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करनी थी ऐसे। अब ये ग्राफ कैसे बनते हैं? अब चाय बनाते हो वैसे ग्राफ बनते हैं। तुम कहोगे कैसे? तो चाय में तुम भिगोना लेते हो, उसके अंदर तुम अलग अलग चीजें डालते हो, तब शुरू में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी रूम टेम्परेचर है तुम्हारा। धीरे धीरे तुम नीचे से स्टोव जलाते हो, धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एक वक्त आता है कि उबाल लगने लगता है और फिर चाय बननी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे फिर ठंडी होती है चाय, फिर तुम पीते हो, है ना? ऐसे समझा जा सकता है। तो ऐसे यहां पर धीरे धीरे, पहले पहले तुमने, तुम्हारे पास सिर्फ भिगोने में रिएक्टेंट थे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, बड़ा 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 बड़ा, यहां पर पहुंचते ही क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया जब उबाल शुरू हो गया। अब यहां से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो ठंडा होता है और प्रोडक्ट में बदल जाता है। समझ में आ गया? तो एक्चुअली ये था। अब कैटलिस्ट जानने से क्या हुआ, ये बैरियर बढ़ गया। अगर बैरियर इंक्रीज हो गया तो वो नेगेटिवली काम कर रहा है, क्योंकि बैरियर बढ़ गया, अब वो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर बैरियर घट गया तो, ये देखो बैरियर अब नीचे आ गया, अब आपका जो बैरियर है वो सिर्फ इतना ही है, तो घट गया है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिए तो इसका मतलब वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब हम चलते हैं सरफेस एरिया। बड़ा कॉमन सी बात है, आपके घर में कोई बोले कि चलो आज हम गुड़ की गच्चक बनाएंगे, या सर्दियां चली गई, गुड़ की गच्चक कहां से आएगा? सो अभी वैसे कि गुड़ की गच्चक अगर बनानी है तो क्या करोगे तुम? गुड़ की गच्चक बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सबसे पहले क्या लेते हो? हो पानी आ रहा मुंह में। गुड़ की गच्चक के लिए तुम्हें मूंगफली के दाने चाहिए, गुड़ की जो गच्चक होती है पापड़ी बोलते हैं जिसको, मूंगफली के दाने चाहिए। तो मूंगफली के दाने चाहिए और साथ में गुड़ भी चाहिए होता है। तो गुड़ को क्या करते हो तुम? गुड़ का डला लेते हो और सीधे क्या उसको डाल देते हो क्या, पिघलने के लिए? जब वो पूरा पिघलता है उसके बाद आप उसमें क्या करते हो, स्प्रिंकल्स करते हो तुम्हारे मूंगफली के दानों का, ऐसी बनती पापड़ी। लेकिन तुमने कभी पापड़ी बनने का प्रोसेस देखा होगा तो पहले गुड़ को तोड़ा जाता है, सीधे गुड़ का इतना बड़ा डला नहीं डाल दिया जाता, चल भैया गर्म हो जा, क्योंकि इतना बड़ा गुड़ का डला डालोगे तो उसको पिघलने में बहुत ज्यादा आपका गैस खर्च हो जाएगा। तुम ये जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो तुम जाओ मम्मी की हेल्प करो, थोड़ा सा जाके शर्म करो, थोड़ी बहुत किचन में जाओ, छोटी मोटी चीजें जानो। मम्मी कभी भी ऐसा नहीं करेगी, आप गुड़ को पहले तोड़ोगे, छोटे छोटे से बारीक बारीक टुकड़े करके फिर डालोगे, ताकि कम ही गैस में, तो क्योंकि तुमने एनर्जी लगा दी कि ताकि कम ही गैस में वो जल्दी पिघल जाए। तुम्हें पता है कि नहीं पता? अगर किसी चीज को पिघालना है तो उसको तोड़ो पहले, फिर उसको टेम्परेचर दो तो जल्दी पिघलेगी, ये तो पता है ना? पता है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बेसिकली जब आप बड़ी चीज को तोड़ते हो, छोटी छोटी टुकड़ों में बना देते हो, तो उसका सरफेस एरिया आप इंक्रीज कर रहे होते हो। समझ में आ गया? अंदर के पार्टिकल भी बाहर लेके आ रहे होते हो। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो आपको ध्यान रखना है, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। इज दिस क्लियर? आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेट लॉ। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, तो जरा रेट लॉ पर आते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क कि भैया रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं रेट लॉ होता क्या है।
रेट लो लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, ध्यान से समझना, रेट लो लिखने के लिए कहां चला गया, रेट लो बेसिकली एक्सपेरिमेंट से लिखा जाता है, पहली चीज तो ये हो गया, ठीक है, रेट लो एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ता है तब मालूम पड़ता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लो क्या है। अब कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जरा देखो, तो इसका मतलब उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है, थ्योरी से काम नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको रेट लिखना है, इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन द रेट लो, तो रेट लो ये कहता है कि तुम जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। रेट लो कंप्लीटली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर प्रोडक्ट नहीं लिखना आपको कभी भी। तो रेट लो में रेट कैसे लिखा जाता है, वही लिखा जाता है रेट इज इक्वल्स टू के, दिस इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट, फिर यहां पर लिखा जाता है रिएक्टेंट और उसके पावर लगाई जाती है कुछ भी, इसको बोलते हैं ऑर्डर, जो पावर लगती है वो ऑर्डर होती है और ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कि तुम्हारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो ए ऑफ एक्स, ढंग से लिख देता हूं, चलो कहां गया, हाँ ऐसे मान लो लिख दिया, ए ऑफ एक्स विल गिव यू स्मॉल बी ऑफ वाई, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मैं बोलू चलो इसका रेट लो लिख के बताओ, तो इसके लिए रेट लो कैसे लिखा जाएगा, विच इज रेट इज इक्वल्स टू के, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट, यहां पर रिएक्टेंट कौन है, एक्स, तो सिर्फ आपको एक्स की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, उस पर पावर क्या लगाओगे, ए नहीं लगाओगे, पावर ऑर्डर कभी भी स्टोइकियोमेट्री नहीं होती है, तो यहां पर मैंने कुछ पावर लगाई एक्स, ये एक्स कहां से कैलकुलेट होगा, ये एक्स जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होता है, ध्यान रखना ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होता है, खत्म कहानी, इसी को रेट लो कहते हैं। अब तुमने दो तरीके से रेट लिखी है, पहला तो रेट लो से रेट लिखी है, दूसरा डिफरेंशियल लो से रेट लिखी है, उससे आपको इंटीग्रेटेड लो निकालने हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहां पर ये जो पावर लगी हुई है ना इसी को बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने यहां पर तो एक ही रिएक्टेंट लिया था, सपोज करो कि तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट है, तो अगर आपके पास दो रिएक्टेंट है तो रेट लो कैसे लिखोगे, तो सपोज करो तुम्हारे पास एक्स है प्लस वाई है विल गिव यू पी प्लस क्यू, ऐसा लिखा है और बोले कि तुम्हारा इसका रेट लो लगा के बताओ, तो रेट लो में रेट क्या लिखोगे, के एक्स टू द पावर समथिंग। अब यहां पर तो कुछ लिखा नहीं हुआ, यहां पर तो क्या लिखा हुआ, ये तो वन वन है, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूं, आप तो x टू द पावर a एंड y टू द पावर b। समझ में आ गया? a और b कैसे कैलकुलेट होंगे, एक्सपेरिमेंट से। a क्या है, a है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। b क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर मैं बोलूं कि टोटल बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, वो कैसे निकालोगे, ऑर्डर ऑफ कंप्लीट रिएक्शन वो कैसे होगा, समेशन ऑफ द पावर्स, पावर की समेशन कर दो, पावर क्या है ए, ये क्या है बी, तो ए प्लस बी इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ए प्लस बी, ए किसका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स और वाई, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन रेट लो। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको ध्यान रखना है एक्सप्रेसिंग रिलेटिंग रेट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, उसी को रेट लो कहते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे, अब ये यहां पर एक गलती है, यहां पर इन मोहतरमा ने क्या किया है जो मैंने सिखाया, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है एक्स और वाई, यहां पर पावर लगा दी गई है एक्स और वाई, ये गलत है, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि इट मे और मे नॉट बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट यहां से इंप्रेशन बच्चों पे ये पड़ता है कि ये दोनों सेम होंगे, जबकि गलत है। ये एक्स और वाई कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होते, ध्यान रखना। समझ में आ गया? तुमको हमेशा याद रखना है। इज दिस क्लियर? सबको मालूम पड़ गया कि ये जो एक्स और वाई है दीज आर ओनली कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट एंड नॉट कैलकुलेटेड बाय द केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग। इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लिख लेना, बैलेंसिंग से कैलकुलेट नहीं होती,
ध्यान रखोगे. नाउ दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक डन इन दिस. के क्या है? दैट इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट. ठीक है, जिसको वेलोसिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो जरा समझो, दैट इज अ समेशन ऑफ द पावर ओनली. अगर कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज अ समेशन ऑफ द पावर इन रेट लॉ. रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगी हुई है उनका समेशन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. अब जरा समझो. अब देखो यहां पर इन्होंने सही लिखा है, जो भी स्लाइड बनाई है जिन मोहतरमा ने. तो यहां पर देखो ये क्या है, दिस इज स्टोइकियोमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज स्टोइकियोमेट्री विद रिस्पेक्ट टू बी. पर यहां तो नहीं लिखा एक्स और वाई लिखा है. अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये चीजें एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होती है. तो इनका स्टोइकियोमेट्री से लेना देना नहीं है, बैलेंसिंग से लेना देना नहीं है. एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट ही निकालिए. और अगर कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इन पावर्स का समेशन. समझ में आ गया? ये x क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या है ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b. तो यहां पर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, x plus y, and that's very easy. सिंपल है. तो इसके लिए आपको क्या है, क्योंकि रेट लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रेट लो आपको कैसे लिख के दिया जाता है, रेट लो आप लोगों को लिख के दिया जाता है एक्सपेरिमेंटली. तो रेट लो लिख के दिया जाएगा, आपको सिर्फ ऑर्डर निकालना है वहां से जोड़ के, बहुत सिंपल होता है. चलो तो हम और आगे चलते हैं. सो फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन होता है, नॉर्मली नहीं कर सकते. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. ये आ गया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दिखने को, यहां पर एक बात बताओ. अब आप मेरे, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, ये जो केमिकल रिएक्शन इसका ऑर्डर क्या होगा? कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? क्या आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो? किस किस को पता है, देखिए किस किस ने पढ़ रखा है. इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? जरा ध्यान से सुन, अरे पढ़ लो, नीट में तो काम आएगा नलायकों. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से कैंसिल हो गया? उल्लू के पट्टे एक नंबर के, ऑर्डर रिएक्शन कैंसिल हो गया. उल्लू हो क्या? समझो, नहीं आएगा. इसके बिना है क्या इसके अंदर पूरे चैप्टर में? इसके बिना तो पोटी है पूरा चैप्टर. यहां पर बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. अब मैं समझना चाहता हूं आपने कितना पढ़ाई की है, क्योंकि उल्लू के पट्टे ही हो आप. जरा देखें, कोई कह रहा है दो, कोई कह रहा है जीरो, कोई कह रहा है आधा, कोई कह रहा है दो, कोई कह रहा जीरो, कोई कह रहा है दो, कोई कह रहा है जीरो जीरो दो. पता नहीं सर, पता नहीं. जिसने लिखा है ना पता नहीं, उसके लिए मेरे पास एक गाना है. कौन सा? ओ पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, पोखरियाल जी ने क्या खाया हमें समझ ना आया. अभी तक नीट का डेट नहीं दिया भाया. नहीं, नीट का डेट दिया नहीं है. तो आई विल टेल यू, तो बहुत लोगों ने लिखा दो, वो उल्लू के पट्टे हो. क्यों? जिसने लिखा दो वो उल्लू का पट्टा हो. ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं. मैंने तुम्हें अभी बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऊपर लिखा भी हुआ है, फिर भी दो दो लिख रहे हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है. दिखने को यहां पर स्टोइकियोमेट्री वन दिख रही है, यहां पर भी कितनी दिख रही है वन. तो वन और वन टू बोल दिए, तुम्हारे हिसाब से ऑर्डर दो निकल गया, लेकिन गलत है. समझ में आ गया? अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं. जहां पर जिस केमिकल रिएक्शन पे एच न्यू लिखा हो, दिस इज एच न्यू. क्या है ये? एच न्यू. इसको सनलाइट कहते हैं, मतलब इस सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है. वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज बी जीरो, चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और लिखा भी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नलायकों फिर भी दो दो लिख रहा है, दो दो दो, उल्लू के पट ठो 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 लिखा है यहां पर जीरो. सो दिस इज ऑलवेज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आपको याद रखना है, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है. दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सबको समझ में आ गया? याद रखोगे, कॉपी के अंदर लिख लो, काम आएगा. कॉपी के अंदर लिख लो, काम आएगा. दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद रहेगा बल्ले बल्ले. इज दिस क्लियर? अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और देखो, जब भी आपका अमोनिया का, मतलब कोई भी गैस का अगर आप एड्सॉर्प्शन कराते हो, तो एड्सॉर्प्शन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. एड्सॉर्प्शन याद रखना, एड्सॉर्प्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. सबको समझ में आ गया? चलो, तो दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल देखो, याद रखना, काम आएंगे. जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकेइंग होती है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. समझ में आ गया? इसके अलावा ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. N2O5 गैस जब डीकम्पोज होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और यहां पर तो दिख भी रहा है, बट स्टोइकियोमेट्री यहां दो है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल होता है सबका सब. तो जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है. N2O5 की डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, याद रखना.
अब आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो आई विल टेल यू व्हाई दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई विल टेल यू, लुक एट इट। सो जरा देखो, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, ठीक है? तो आप सबसे पहले बताओ, आपने रेट लॉ में क्या लिखा? रेट लॉ जब आप लिखने गए तभी आप रेट कांस्टेंट लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? रेट लॉ में रेट कैसे लिखा जाता है? रेट इज इक्वल्स टू के, यही है तुम्हारा रेट कांस्टेंट। फिर यहां पे तुमने लिखा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उस पर क्या लगाया? पावर पे ऑर्डर, ये लगाया तुम, ऐसी तो लिखे हो। तो थोड़ा इसको सिंबॉलिक दे देता हूं, सिंबॉलिक। ये तुम्हारा रेट जिसको हम आर से लिखेंगे, के यहां पर रेट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट को हम लोग, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को सी से लिख देते हैं, समझ गया? और ऑर्डर को हम लोग एन से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम? सिंबॉलिक समझ में आया? रेट को आर से लिख रहे हैं, के को के ही लिख दिया, के रेट कांस्टेंट है, उसी की यूनिट निकालनी है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को सी से लिख दिया और ऑर्डर को एन से लिख दिया। अब मुझे तो के का यूनिट निकालना है, तो के को बाहर ले लो, के क्या होगा? रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, सही है? चलो अब सबकी यूनिट लिखो। रेट की यूनिट क्या होती है? रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस? तो यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लिखना था, सी बाई टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज मतलब डेल्टा लगाओ नहीं लगाओ, उससे कौन सी यूनिट होती है? तो सी बाई टी, यही आर होता है। आर का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नीचे क्या लिखा हुआ? दैट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ये भी तो यही है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। समझ में आ गया? मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट की कौन सी यूनिट होती है। तो ऐसा हो गया। अब देखो, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन है, यहां भी कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर टाइम है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन बाई एन और नीचे का लिखा हुआ टाइम, सही है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? टाइम की, टाइम तो खुद ही एक यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि के की, जिसको रेट कॉन्स्टेंट कहते हैं, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, सॉरी दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर वन बाय वन माइनस एन, और साथ में टाइम ऊपर चला जाएगा, उसको क्या लिखेंगे? टाइम इनवर्स, ये यूनिट होती है। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रेजी, सबको समझ में आया? दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब मान लो कि तुम्हारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू जीरो है, अभी पढ़ के आया, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो के की यूनिट क्या बनेगी? जरा बताओ मुझे, एन की वैल्यू जीरो रख दो, क्या होगा वो? मोल पर लीटर एंड टाइम इनवर्स, ये तुम्हारी के की यूनिट होगी जीरो पर। एन की वैल्यू वन हो तो क्या लिखोगे? वन माइनस वन जीरो, तो एक पूरा फैक्टर गायब हो गया। वन के लिए के का यूनिट क्या होगा? दैट इज टाइम इनवर्स ओनली। ऐसे करके आपको निकालनी है। तो जब आपके पास के की यूनिट टाइम इनवर्स होगी तो तुम तुरंत समझ जाना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वन। जब तुम्हारी के की यूनिट हो रही है, स्पेसिफिक होती है, के की यूनिट मोल पर लीटर टाइम इनवर्स होगी, तो ऑर्डर क्या होगा? जीरो। आया समझ में? ऐसे करके इसमें फॉर्मूले में लिख लिख के निकालोगे। किस किस को याद हो गया? हे पता नहीं जी, किस किस को याद हो गया? लिखो किस किस को याद हुआ ये, किस किस को याद हो गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। ये होता है यूनिट, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है। ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किस किस को याद हो गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को बल्ले बल्ले पक्का याद हो गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गाना गाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं जब कॉलेज में था तो मेरा ये फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, मतलब मेरा क्या, ये तो सभी का ही फेवरेट सॉन्ग था, ठीक है? फेवरेट सॉन्ग यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो प्यार, कोई तो हो राजदार। नहीं, तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, नहीं
गाए भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो प्यार, कोई तो हो राज़दार। चलो पढ़ते हैं आगे चलते हैं, हो गया यूनिट। ये देखो इसके किसको करंट लगा था, ये इसके लिए गाना गा सकते हो तुम। कौन सा वाला हो पता नहीं जी, कौन सा करंट लगा के आया, बाल खड़े हो गए हैं देख ले मेरे भाया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो, एंड दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। मैं आपको सीधे हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट लो बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं क्योंकि वो डिटेल में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, जब आपके पास रेट दो तरह से लिखी है आपने, जरा समझो। आपको अगर मैं बोलूं कि आपने रेट कितनी तरह से लिखी, तो रिएक्टेंट के केस में, रिएक्टेंट के केस में रेट को दो तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। दो तरह से लिखा जा सकता है। लिखा था आपने कैसे कैसे लिखा था, पहले तो आपने इस तरह से लिखा था रेट, रेट आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, या फिर आर क्या है, डी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी, ऐसे लिखा था। ये रिएक्टेंट है, ये रेट है, याद रखना दोनों में फर्क है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, सपोज तुम्हारे पास ए रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बी बन रहा है, इसके लिए लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। तो अगर इसके लिए मैं रेट लिखना चाहूं तो दो तरीके से सिखाया है, रेट आर इज इक्वल्स टू ए के केस में लिखोगे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, इस तरह से लिखा था तुम लोगों ने। डिफरेंशियली आपने लिखा एक तो रेट ऐसे लिखा था, अगर ए के रिस्पेक्ट में बोलूं रेट लिख के बताओ तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसे लिखा था। दूसरी तरह से क्या लिखा जाता है, रेट लो के, रेट लो क्या कहता है, रेट आर इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर ऑर्डर, ऐसे लिखा था। दो तरह से लिखा था आपने, एक ये, इसको डिफरेंशियल रेट लो बोलते हैं, और वो क्या है, रेट लो। तो आपने दो तरह से रेट लिखा, अब दो तरह से रेट लिखा है तो ये भी रेट है और वो भी रेट है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसको इक्वल रखोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ डी ए डी डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एन। अब आगे अगर आप इस डिफरेंशिएशन को सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पर, समझ में आ गया। और n की वैल्यू रखोगे तो a की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो सोल्व हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब हमें वो सब का झंझट नहीं लेना है। अब यहां पर ये है कि जो n की वैल्यू अलग अलग रख के जब आप मैथमेटिकली इनको सोल्व करोगे तो क्या क्या आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब सपोज करो कि तुम यहाँ एन की वैल्यू जीरो रखते हो, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एन की वैल्यू जीरो मतलब तुम्हारे पास सिर्फ ये बचेगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, और साथ में यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा और कुछ नहीं। समझ में आ गया, फिर इसको सोल्व करना है और a की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, पर हम उस झंझट में नहीं पड़ेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो रखो यहाँ पर 1, फिर तुम्हारे पास माइनस डी ए बाई डी टी के ए टू द पावर 1 होगा। इस a को नीचे ले जाके सोल्व कर सकते हो। अब इस तरह से इंटीग्रेटेड रेट लो निकाले गए। अब अपन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लो को डायरेक्टली याद करेंगे और हाफ टाइम भी याद करेंगे, हाफ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूं। तो जरा आप देखो आपको डायरेक्टली क्या याद करना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बच्चे को आज शपथ लेनी है माहिष्मती साम्राज्य की, ऐसे आगे करो हाथ, ऐसे बोलो, मैं माहिष्मती साम्राज्य की शपथ खा के ये कसम खाता हूं कि मैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के दो फॉर्मूले और साथ में हाफ लाइफ दोनों में याद कर लूंगा, कसम खुदा की। देखो श्वेता, श्वेता अक्षत, तो श्वेता को छोड़ा ही नहीं है, बोलो माहिष्मती साम्राज्य की कसम, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट लो मुझे याद हो जाएंगे। याद हो गया तो चलो ठीक है, मैं आप लिख ली कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, वो आपको याद करने है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे, जरा समझना है इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, वो आपको याद करने, अब जो याद करने वो मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की। अगर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो तो इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू यानी कि ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस केस में जब आप उस इक्वेशन को सोल्व करोगे जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी, इस इक्वेशन में जो भी आप इक्वेशन को सोल्व करोगे जो मैंने लिखी थी, उसमें फाइनल आंसर क्या आएगा, जरा आप उसको चेक करो।
तो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे निकालना चाहते हो, किसी भी रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे निकालना चाहते हो, वो किसके बराबर होगी? उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली उसमें से माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है तो ए में से माइनस ही तो करोगे, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है, मान लो शुरू में 10 लिया तो 10 में से घटेगा, तो ए में से माइनस क्या करोगे? के इंटू टी। के क्या है यहां पर? के कहलाता है रेट कॉन्स्टेंट, टी क्या है? टाइम। बहुत आसान है, किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से के टी माइनस कर दो, ये इक्वेशन तुम्हारे लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन कहलाती है। इंटीग्रेटेड रेट लो इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर, यही है। याद हो गया क्या? ये हार्ड है क्या? इसके लिए तुम्हें, किस किस बच्चे को लगता है कि इस इक्वेशन को याद करने के लिए उसे अमेजोन से सुपरमैन की लाल चड्डी ऑर्डर करनी पड़ेगी? वो उल्लू का पट्टा है। किस किस को याद हो गया ये? AT is equal to A not minus KT, क्या ये याद करने के लिए तुम्हें क्या सुपरमैन बनना पड़ेगा क्या? बताओ मुझे किस किस को याद हो गया? कम ऑन डोड, किस किस को याद हो गया? चक दे फटे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। जल्दी लिखो, लिखते नहीं हो तुम चैट सेक्शन के अंदर। याद हो गया सब लोगों को? बल्ले बल्ले, चलो जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए हो गया। हो गया तो मैंने आपको मतलब ही समझा दिया इसका मतलब क्या है, ठीक है? अब आगे देखो, फिर आता है हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाफ लाइफ, सबसे पहले तो हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ वो समय है जब एटी की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कितनी रह जाती है? आधी। हाफ लाइफ वो समय है जब एटी की वैल्यू ए नोट की आधी रह जाती है। रख दो उसके अंदर, एटी की जगह ए नोट बाई टू रखो, ये ए नोट है माइनस के टी हाफ, तो यहां से टी हाफ क्या निकल के आएगा? निकाल लो क्या है इसके अंदर, तो आंसर आएगा फाइनल ए नोट बाई टू के, निकाल के देख लो, ये हाफ लाइफ है। आपको टी हाफ निकालनी है, इसके अंदर आपको एटी की जगह ए नोट बाई टू रखना है, सो ए नोट बाई टू यहां रख दो, विच इज इक्वल टू ए नोट माइनस टी के हाफ, सॉरी के टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा ए नोट बाई टू के। ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो इक्वेशन हो गई, पहली ये, दूसरी ये। याद हो गया क्या? अब आते हैं तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालोगे तो एन की वैल्यू कितनी रखोगे? वन। बोलो किस किस को ये दो चीजें याद हो गई, उसके बाद ही अपन आगे चलेंगे। जल्दी बताओ किस किस को ये याद हो गई? Come on, dude, write it down right now. What are you doing, man? What are you doing, man? What are you doing, man? You are not writing it, huh? लिखो उल्लू के पाछा, लिख लिया? टू के लॉयंस, यू आर नॉट उल्लू के पच्छो, यू आर के, आगे से बोलूंगा लिखो शेर के बच्चों, ऐसे बोलूंगा अगली बार, लिखो शेर के बच्चों, लिख लिया? देखो इंसान, इससे समझ में आता है इंसान कितना खुदगर्ज है। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम जानवर हो तो तुम कहोगे सर क्या बोल दिया आपने। अगर मैं तुमसे कहूं सपोज कि तुम जानवर हो तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि तुमने जानवर कह दिया। पर मैं अगर तुम्हें कहूं तुम शेर हो तो तुम्हें अंदर से ना ऐसे गुदगुदी सी होगी, हाँ मुझे शेर कह दिया। फर्क देखो, शेर भी तो जानवर ही होता है, नहीं समझ रहे हो फर्क? देखो अगर तुम जानवर हो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम शेर हो तुम्हें खुशी होगी अंदर से, बट शेर भी जानवर ही होता है ये नहीं हम सोचते। तो हम उल्लू के पट्टे हैं, ओवरऑल कहानी है, ठीक है? तो जरा देखो, अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बोलूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू क्या होगी? वन। अब अगर इस केस में आपको इसका इंटीग्रेटेड रेट लो लिखना है तो दैट्स वेरी सिंपल, जिसको ये याद है वो भी याद कर सकता है। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर AT और A नोट की जगह नेचुरल लॉग ऑफ AT और नेचुरल लॉग ऑफ A नोट लिखना, बाकी सेम है। कैसे लिखोगे? नेचुरल लॉग ऑफ AT विच इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A नोट माइनस KT, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस, ये नेचुरल लॉग ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है? और आपको ये भी पता होना चाहिए ln यानी कि नेचुरल लॉग क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10, ये इसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन याद है तो आगे का काम बेहद आसान है। तो अगर आपको मान लो कल को आपको k का वैल्यू निकालना है यहां से, तो यहां से आप सोल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे होगा? 2.303 by t, ठीक है, log of base 10
ए नॉट बाई ए टी, दिस इज द रियल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने के की वैल्यू निकाल ली और नेचुरल लॉग की जगह लॉग बेस 10 डाल दिया और कुछ नहीं किया. तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए और ये इक्वेशन इसी से याद हो जाएगी. समझ में आ गया? ये तो तुम्हारे पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. फिर अपन आते हैं इसकी हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जब ए टी की जगह क्या लिखोगे, ए नॉट बाई टू. तो दिस इज ए नॉट एलन ऑफ ए नॉट बाई टू, दिस इज एलन ऑफ ए नॉट और के टी. तो फाइनली जब इसका टी हाफ निकालोगे तो कितना आएगा, दिस इज एलन ऑफ टू. ठीक है, ऊपर आता है एलन ऑफ टू, ए नॉट नहीं आएगा, बाई के. या फिर इसका आंसर आएगा 0.693 बाई के. ये इनके फॉर्मूले हैं, जब आप रखोगे तो यही आंसर आएगा. एलन मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाई के, या फिर उसको बोलेंगे 0.693 बाई के. दिस इज टी हाफ. अब ये चार फॉर्मूले किस किस को याद हो गए, 1, 2 एंड दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4. जिस जिसको याद हो गए लिखो यस सर हमें याद हो गए, जिस जिसको याद हो गए लिखो यस सर हमें याद हो गए. वी नीड द रूफ. फटाफट से बताओ किस किस को याद हो गए चारों फॉर्मूले. दीज आर द फोर फॉर्मूलाज और बस यही है सब कुछ, और कुछ नहीं है, बाकी सब नकली बड़ा है और कुछ नहीं है. याद हो गए? बल्ला बल्ला सबको याद हो गए, बहुत बढ़िया. बस यही चीज है, बाकी सब फर्जी बड़ा और कुछ नहीं है, उसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. तो जीरो ऑर्डर रेंज में फिर से बताता हूँ, ए से प्रोडक्ट बनेगा, कैसे निकलता है वो सब लिखा हुआ है. ऐसे करके सोल्व करोगे इसको और इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, फाइनली आंसर आ जाएगा. इन सबका कोई मतलब नहीं है, समझ में आता है, किसी काम का नहीं है. डायरेक्टली आप इसको जब सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं. दैट इज ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी. यही बताया मैं तुम्हें, यही बताया मैं तुम्हें, यही बताया मैं तुम्हें. समझ में आ गया? या फिर के की वैल्यू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, यही बताया तुम्हें. के की वैल्यू निकाल लो ऊपर वाले से. अब हाफ लाइफ किसके लिए क्या होती है? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह गया कॉन्सेंट्रेशन, तो होता है ए नॉट बाई टू के. अपन यही बताए तुम लोगों को, अपन यही बताए. अब इसका ग्राफ बनाना कैसे बनाओगे? अरे यार अभी तो इक्वेशन लिखी है, वो इक्वेशन कैसे होगी? ये इक्वेशन थी ना, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, इसको कंपेयर करो. वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो ये सी है, ये एम है, ये एक्स है और ये वाई है. तो ये ऐसी लाइन आएगी, डिकेइंग लाइन, दिखा देता हूं, नीचे आती हुई, ए नॉट से शुरू होकर नीचे आती हुई लाइन आएगी. आगे समझ में, ये सबको पता है. अब हम आगे चलते हैं. हाफ लाइफ ए नॉट पे डिपेंड करती है, ए नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो हाफ लाइफ बढ़ेगी. तो ये ऐसी आएगी ग्राफ, मतलब इसकी हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. ये यू आएगी लाइन, सिंपल है, क्योंकि ए नोट बढ़ाओगे तो हाफ भी बढ़ेगा. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आ जाओ. सबको पता है ए प्रोडक्ट है, ऐसे करके निकालना है, इंटीग्रेशन करना है. ये की पावर वन आ जाएगी, ऐसे करके इंटीग्रेशन करना है. इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये सेंसलेस है. फाइनली आंसर पर आओ. क्या लिखा था मैंने? एलन ऑफ ए टी विच इज इक्वल टू माइनस के टी एलन ऑफ ए नोट लिखाया था. मैंने कहा था सिर्फ आपको AT और A नोट की जगह नेचुरल लॉग लिखना है, बताया था. फाइनली ये इक्वेशन मैंने बोली थी आपको, K is equals to 2.303 by T, log of A नोट by AT बोला था ना मैंने आपको. This is the most important thing you have to remember. Half life की बात करते हैं. Half life इसमें जब आप initial concentration का आधा रह जाएगा, T half बोलेंगे, 0.693 by K. This is the formula which you have to remember. मगर ग्राफ कैसे आएंगे? आपके पास इक्वेशन है, logarithmic अगर वैल्यू कंपेयर कर लो, ये y है, ये mx है, ये c है. इसकी भी ग्राफ ऐसी आएगी, बट वाई एक्सिस पर क्या लिखोगे? एलन ऑफ ए टी. एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे? एलन ऑफ ए नॉट, सॉरी एक्स एक्सिस पर टी लिखोगे. दिखा देता हूं, देखो ये एलन ऑफ ए टी, ये टी, ग्राफ ऐसा ही आ रहा है. समझ में आ गया? बट यहां ध्यान, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में क्या फर्क है? ग्राफ में कोई फर्क नहीं है. यहां पर एक्सिस पे जो डोनेशन लिखी है वो फर्क है, एलन ऑफ ए टी है, वो टाइम है, एलन ऑफ ए टी. और शुरू कहां से होगा? एलन ऑफ ए नॉट से. बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं. समझ में आ गया? हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, इसकी हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती. इज दिस क्लियर? फाइनली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? दैट्स वेरी इजी. जो दिखने में आपको लगेगी कि वो, दिखने में आपको लगेगा कि उसके अंदर बेसिकली दो से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के तौर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्योंकि दूसरे वाले की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग काउंट ही नहीं करते. समझ में आ गया? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज करो कि आपने एस्टर को पानी में डाल दिया, तो जब आप एस्टर का पानी से रिएक्शन कराते हो एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देता है, सबको पता है. यहां पर पानी और एस्टर दो चीजें दिख रही है, तो होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर, मतलब दो मॉलिक्यूल है ना, बट ये फर्स्ट ऑर्डर है. क्यों? इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इतना ज्यादा होता है एक्सेस में होता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. समझ में आ गया? तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डाला, पानी को कहां यूज करोगे? तो
तो पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करती है, इसलिए उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आ गया समझ में? बल्ले बल्ले। तो फाइनली बहुत बहुत बधाई हो, यही तुम्हारा चैप्टर था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किस किस को याद हो गया पूरा का पूरा जो मैंने लिखवाया, जिस जिसको याद हो गया जिस राइट डाउन चैट सेक्शन में, देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों को याद हो गया, ऐसे करके लिखना, यस सर याद हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, शामा शामा हो गई, कमाल हो गई। राइट डाउन चैट सेक्शन अभी के अभी, कम ऑन डड, टिंकू जिया, ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अदिति चौबे, मेघा, अमित, प्रिया, श्रीकांत, मनोज, हार्दिक, वंश, रिया, परशुराम, वाह क्या नाम है परशुराम, रवि झा, श्याम, विनीता, डॉली, और बहुत ही बढ़िया सबको याद हो गया, अक्षय और सौंदर्य जिया, ये हमारा टिंकू जिया, अदिति चौबे बहुत ही बढ़िया, दीप्ति, सैयद, आकृति, राजदीप दास, क्या नाम रखे हो भैया, इतना मजबूत नाम, बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग, रिया सिंह, और क्या बात है, चलो सबको याद हो गया, अमेजिंग यार। जाते आते हैं आप लोगों से कहूंगा सैटरडे को एंजॉय करो क्योंकि कल संडे है। और उससे पहले आप लोगों को छोटी चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने तो नीरा क्रैश कोर्स नहीं लिया तो भैया ले लो, 8000 रुपीज में पूरा 11th 12th सब कुछ खत्म करा ले रहा है बाबू, सो 11th 12th एवरीथिंग इज देयर इन 8000 रुपीज, और क्या चाहिए यार तुम लोगों को। सो 15th ऑफ फेब से शुरू हो रहा है, एन इट इज द कूपन कोड जिसको यूज करके आप लोग 20% डिस्काउंट ले सकते हो 8000 रुपीज में, तभी आपको मिलेगा, जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट टेस्ट सीरीज, तो मेरे कहने पर ज्वाइन कर ही लो, हर संडे को बैठ के टेस्ट दो, एन इट इज द कूपन कोड, 20% डिस्काउंट है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको, मात्र कितने मिल रही है 2000 रुपए में, 1 रुपया कम उसमें, तो जाओ ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है बाबू। एंड टेस्ट में क्या मिलेगा, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, बताया जाते हैं आपको, ऐसा नहीं कि टेस्ट हो गया तुम्हारी रैंक आ गई खत्म, नहीं, क्लास भी होगी, बताया जाएगा कहां प्रॉब्लम आ रही है। एंड फाइनली अगर आप लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। एंड मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे नीट के रिजल्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने इनमें अपनी फोटो लेके आनी है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो और वेदांतु के बैचेस को ज्वाइन करो जो नीट के बैचेस हैं, 100% तुम्हें बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप कर लेना वेदांतु नीट ऑफिशियल। एंड मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद रोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर सैटरडे एंड आराम से मजे करना ऑन संडे, नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, टाटा बाय, सी यू।